हाय फ्रेंड, तो आप लोग इमला लिखने से पहले इसको स्टॉप कर करके एक दो बार पढ़ लें ताकि इमला लिखने में कोई गलती ना निकले। सोचिए, यदि जंगल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो खरगोश, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी जीवों पर क्या असर पड़ेगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जंतुओं का क्या होगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगे तो क्या आपने भी ऐसे पौधों को देखा है जो कीट पतंग खाते हैं? बड़ों से पूछकर उसके नाम बताइए। इन्हें भी जाने साग सब्जी खाने वाले जंतु शाकाहारी मांस मछली खाने वाले जंतु मांसाहारी पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाने वाले जंतु
सर्वहारी इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला थवक बिंप दध कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए सा हरे पौधे को कौन जंतु खा रहा है। बकरी को कौन खा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी
श्रृंखला असंतुलित हो जाती है जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है जो पर्यावरण संतुलन में मदद करती है। आइए इसे करके समझे। चित्र के अनुसार कार्ड अथवा दिया सलाई से आकृति बनाइए। नीचे वाला कोई एक कार्ड या दिया सलाई खींचिए तो क्या होगा? आकृति नष्ट हो जाती है। हमने जाना कि पौधे एवं जंतु दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा
गया, कार्बन डाई ऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। हम सभी की जरूरतें पूरी हो इसके लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और जो आपने इमला लिखा है उसको मिलाइए, और जितनी भी गलतियाँ निकलें उनको कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी गलतियाँ निकलती हैं।